नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। मिठाइयाँ खाना हम सभी को बहुत पसंद आता है। हम इन्हें बाज़ार से लाकर तो खाते ही रहते हैं। मिठाइयों को घर में भी बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है और घर की बनी मिठाइयाँ ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। आज हम मूंग की दाल के लड्डू बनाएंगे, तो आइए मूंग की दाल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कप धुली मूंग की दाल ली है। ग्राम्स में 200 ग्राम मूंग की दाल है। दाल को अच्छे तरीके से साफ़ किया, धोया और डूबते हुए पानी में 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया। एक्स्ट्रा पानी हटा दिया है और दाल हमने ये लड्डू बनाने के लिए ले ली है। ये भीगी हुई मूंग की दाल है। 1.5 कप बूरा है, ग्राम्स में 250 ग्राम बूरा है। 1 कप देसी घी है, 200 ग्राम देसी घी है। 1/4 कप बादाम है, 50 ग्राम बादाम है और 1/4 कप काजू है, 8-10 छोटी इलायची और 8-10 पिस्ते, जिसे हम गार्निश करेंगे। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंग की दाल को पीस करके तैयार करेंगे, तो हम इसे पीस लेते हैं। दाल को हम जार में डालेंगे और दाल को हम बारीक पीस लेंगे। दाल में पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, ये बिना पानी डाले ही बड़ी आसानी से दाल पीसी जा सकती है। दाल को हम इस तरीके से देखें, एकदम बारीक पीस करके तैयार हो गई है। और अब हम ये बादाम भी पीस लेते हैं। बादाम को जार में डाल देंगे और इन्हें भी बारीक पीस लेंगे। ये बादाम भी हमने पीस करके तैयार कर लिए। ये बादाम के पाउडर को हम प्याली में निकाल लेते हैं और काजू को हम 1 काजू के 6-7 टुकड़े करते हुए काट लेंगे। इसी तरीके से सारे काजू काट कर तैयार करेंगे। पिस्ते हम लंबाई में बिल्कुल पतले पतले काटेंगे। सारे पिस्ते हम इसी तरीके से काट लेंगे और इलायची को छील करके पाउडर बना लेंगे। तो ये हम कर लेंगे। अभी हम अपनी दाल को भून लेते हैं, गैस ऑन कर देते हैं। दाल भूनने के लिए हम कढ़ाई में घी डालेंगे। सारा घी नहीं डाल रहे हैं, हमने थोड़ा सा घी बचा के रख लिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से डाल देंगे। और घी को मेल्ट होने देंगे। पिसी हुई दाल हम मेल्टेड घी में डालेंगे और धीमी और मीडियम आग पर हम इसको लगातार चलाते हुए अच्छी सी ब्राउन होने तक, अच्छी महक आने तक भूनेंगे। ये दाल को हमने लगातार चलाते हुए भूना है और अभी आप देख सकते हैं कि दाल से ना घी अलग होने लगा है। कढ़ाई में मुझे नीचे की तरफ घी नज़र आ रहा है, दाल से अच्छी महक आ रही है और दाल का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। हमारी दाल भून करके तैयार हो गई है और ये दाल हमने नॉनस्टिक कढ़ाई में भूनी है तो बड़ी आसानी से भून गई है। अगर हम सादा कढ़ाई लें तो दाल कढ़ाई से चिपकती है, हमारा घी भी ज़्यादा लग जाता है और भूनने में भी हमें थोड़ी दिक्कत आती है। बार बार हमें बड़ी ताकत से कढ़ाई के तले में कलछी चलानी होती है, दाल को निकालना होता है। तो दाल को आप नॉनस्टिक कढ़ाई में भूने, बहुत आसानी से भुन जाएगी। गैस बंद कर देते हैं हम और दाल को ठंडा होने देते हैं। तो इसको हम अलग प्याले में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाएगी। और इस दाल को भूनने में हमें 25 मिनट्स लग गए हैं, तो दाल को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। और तब तक हमारे यहाँ थोड़े से काजू बचे हैं, उन्हें भी काट लेते हैं और इलायची का पाउडर बना लेते हैं। इलायची भी हमने कूट कर तैयार कर ली। दाल हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है। हमें दाल को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म रखना है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इस दाल में ये सारी चीज़ें मिलाएंगे।
ये हमने बादाम का पाउडर डाल दिया, ये कटे हुए काजू, इलायची का पाउडर, बूरा, ये बूरे और सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। लड्डू में बूरा ही डाला जाता है, पीसी चीनी डाल सकते हैं लेकिन उतनी अच्छी नहीं लगती। बूरा किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाता है, अगर नहीं मिले तो आप इसे मेरी वेबसाइट पर और चैनल पर देख सकते हैं। घर में भी चीनी से बूरा बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिलने तक मिक्स कर लिया है और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाने के लिए हम थोड़ा सा मिश्रण हाथ से ले लेंगे और इसको बाइंड करते हुए गोल लड्डू बना करके तैयार करें। लड्डू अपनी पसंद के अनुसार थोड़े से बड़े, थोड़े से छोटे, जैसे आप चाहें बना सकते हैं। इस तरीके से हम लड्डू को पूरा गोल करके और बाइंड करके बनाकर रखते जाएंगे। तो सारे लड्डू हमें इसी तरीके से बनाकर तैयार करने हैं। ये सारे लड्डू हमने बना करके तैयार कर लिए। ये मूंग की दाल के लड्डू बनकर तैयार हैं और ये हम एक एक दो दो पिस्ते इनके ऊपर से लगा करके लड्डू के गार्निश कर देते हैं। मूंग की दाल के लड्डू बनाना बहुत आसान है लेकिन मूंग की दाल को भूनते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। नॉनस्टिक कढ़ाई में भून रहे हैं, मूंग की दाल बहुत आसानी से और जल्दी भून करके तैयार हो जाती है। उसमें घी भी कम लगता है। हमारा हमने 200 ग्राम घी लिया था, 50 ग्राम घी और बच गया है। तो मूंग की दाल को भूनने के लिए नॉनस्टिक कढ़ाई का यूज करना है और बाकी लड्डू बनाते समय दाल भून ली हमने, मूंग की दाल बहुत गर्म ना हो कि एकदम कढ़ाई उतार के रखी है और फटाफट उसमें बूरा मिलाना शुरू कर दिया, उससे क्या होगा कि चीनी मेल्ट हो जाएगी और हमारा मिश्रण थोड़ा पतला हो जाएगा। कढ़ाई में से मिश्रण दूसरे किसी प्याले में निकाल लें, उसे हल्का सा ठंडा होने दें। पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं करना है क्योंकि अगर मिश्रण पूरा ठंडा हो जाएगा, मूंग की दाल पूरी ठंडी हो जाएगी और तब हम उसमें सारी चीज़ें मिलाएं तो वो एक बूरे की तरह से बिखर जाएंगे, लड्डू बांधना मुश्किल होगा। तो यानी हमें मूंग की दाल ना तो ज़्यादा गर्म हो और ना ठंडी हो, अच्छी हल्की गर्म हो कि हम उसमें हाथ छू सकते हैं, इतनी गर्म हो। आप फटाफट से सारी चीज़ें मिला लीजिए और गर्मा गर्म में ही लड्डू बांध करके तैयार कर दीजिए। गार्निश होकर के मूंग दाल के लड्डू तैयार हैं। बहुत अच्छे लड्डू बने हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान है। मूंग की दाल के लड्डू हमने मूंग की दाल को भिगोकर, पीसकर, भूनकर बनाए हैं लेकिन इसके लड्डू हम और भी तरीके से बना सकते हैं। जैसे सूखी मूंग की दाल है, उसे हम कढ़ाई में सूखा ही भून लें अच्छा सा ब्राउन होने तक और इसके बाद उसको मिक्सर में पीस करके आटा बना लें, घी को मेल्ट करें, सारी चीज़ें मिलाएं और लड्डू बांध लें। तीसरा तरीका ये है कि मूंग की दाल का आटा ले लें, कढ़ाई में घी डालें और जैसे बेसन भूनते हैं उसी तरीके से आटे को कढ़ाई में डाल करके भून लें और सारी चीज़ें इसी तरीके से मिक्स करके लड्डू बनाएं। मूंग की दाल में मावा मिला करके भी लड्डू बनाए जाते हैं। सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से करनी है। मावा अगर मिलाना चाह रहे हैं तो मावा को, जैसे 200 ग्राम मूंग की दाल है तो 200 ग्राम मावा ले लीजिए और उसको अलग से कढ़ाई में हल्का सा ब्राउन होने तक भून लीजिए और चीनी थोड़ी सी बढ़ा लें और सारी चीज़ों को इसी तरीके से मिक्स करें और लड्डू बना लें। तो जैसे भी चाहें आप उस तरीके से लड्डू बना सकते हैं। मूंग की दाल के लड्डू जो हमने बिना मावा के बनाए हैं उनकी सेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये लड्डू आप कंटेनर में भर करके रख दें और 20-25 दिन तक खाते रहें, लेकिन अगर आप मावा मिला करके लड्डू बनाएंगे तो उनकी सेल्फ लाइफ 10-12 दिन हो जाती है। तो आप जिस तरीके से पसंद करें उस तरीके से लड्डू बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।